हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडएक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था। अब यहाँ पर जो हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड अपस्टॉक्स की ओर से यहाँ पर आ चुका है, तो हम उस यूजर आईडी और पासवर्ड को अपस्टॉक्स में डालेंगे और हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। और हमारे लिए जो पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, उस पासवर्ड को हम नए पासवर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपके लिए ईमेल आईडी में जाके कि हमारे पास अपस्टॉक्स की ओर से ईमेल आ चुकी है, जहाँ पर हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे लिए मिल चुका है। आप यहाँ से देख सकते हो कि अपस्टॉक्स की ओर से यहाँ पर कांग्रेचुलेशन मेल आ चुकी है कि हमारा जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं आपके लिए ओपन करके दिखाऊँ तो आप यहां से देख सकते हो कि हमारी यूजर आईडी है और नीचे हमारा पासवर्ड दिया गया है। तो इस यूजर आईडी को हम डालेंगे अपस्टॉक्स के अकाउंट में और इस पासवर्ड को डालेंगे, और इस पासवर्ड को डालने के बाद हम न्यू पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं अपस्टॉक्स के अकाउंट पर, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे अपनी यूजर आईडी, जो यूजर आईडी हमारे लिए उससे मिली है। दोस्तों, आप यहां पर देखोगे कि मैंने अपनी अपस्टॉक्स पर जो अपस्टॉक्स की ओर से मेल आया था, यूजर आईडी और वही पासवर्ड को यहां पर फिल कर दिया। आप यहां से उस पासवर्ड को देख सकते हैं। अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिखेगा चेंज पासवर्ड का, यानी कि जो पासवर्ड हमारे लिए अपस्टॉक्स की ओर से दिया गया था, उस पासवर्ड को हम यहां पर रीसेट करेंगे और हमारे लिए जो भी पासवर्ड क्रिएट करना होगा उस पासवर्ड को हम यहां से क्रिएट करेंगे। तो हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए डालना है ओल्ड पासवर्ड, जो पासवर्ड अपस्टॉक्स की ओर से आया है, और यहाँ पर हम डालेंगे न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आपके लिए वो वाला पासवर्ड डालना है जो आपके लिए मेल में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डालोगे और यहाँ पर आप उस नए पासवर्ड को री एंटर करोगे, यानी आप जो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करोगे वही पासवर्ड आपके लिए यहाँ पर फिल करना है। तो मैं अपने ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ और नए पासवर्ड को यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने अपना ओल्ड पासवर्ड और यहाँ पर न्यू पासवर्ड और यहाँ पर अपना री एंटर पासवर्ड डाल दिया है, यानी हमारे जो तीनों पासवर्ड हैं मैंने उनको यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको बटन दिखेगा सबमिट का, हम इस पर क्लिक करते हैं और आप देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, यानी हमारा जो पासवर्ड था वो यहाँ पर रीसेट हो चुका है। अगर आपके लिए इस पासवर्ड को सेव करना है तो आप इस पासवर्ड को सेव कर सकते हो, अन्यथा आप इसको नेवर भी कर सकते हो। हम पीछे आएंगे और इसको कर देंगे क्लोज। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो हमारा अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, यानी कि लॉगिन हो चुका है, और हमारा जो पासवर्ड था वो भी यहाँ पर रीसेट हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ से अपना देख सकते हो कि हमारा नाम आ रहा है। आप यहाँ पर देखते हो, ये मेरा नाम आ रहा है, यूजर आई डी भी है, और ये सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपस्टॉक्स पर अपने पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हो और अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।